ऋग्वैदिक काल के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन वन, ऋग्वैदिक काल के लिए पर्याप्त पुरातात्विक साक्ष्य हैं। ऑप्शन टू, ऋग्वैदिक काल में धातु कर्म की जानकारी थी। ऑप्शन थ्री, अधिकांश ऋग्वैदिक युद्ध गाय के लिए किए गए। ऑप्शन फोर, बाल विवाह लागू नहीं था। ऋग्वैदिक काल में समाज में गाय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। इस महत्वपूर्ण स्थान की वजह से ही गाय के लिए लड़ाइयाँ होती थी, जिनको गविष्टि बोला जाता था। इस समय तांबा, सोना और लोहा आदि धातुओं का ज्ञान था और इन सभी का उपयोग धातु कर्म में होता था। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। अनुलोम प्रतिलोम विवाह, पुनर्विवाह, नियोग प्रथा और बहुपति विवाह का काफ़ी प्रचलन था। ऋग्वैदिक काल के विषय में हमें जो भी जानकारी मिलती है उसका स्रोत केवल वेद और दूसरी पुस्तकें ही हैं। इस समय के बारे में पुरातात्विक साक्ष्यों का काफ़ी अभाव है। क्या आपको पता है कि ऋग्वैदिक काल में प्रयोग होने वाले शब्दों हिरण्य, द्वित्री और गोपति का क्या अर्थ है? कमेंट बॉक्स में बताएं।